बच्चों क्या हालचाल, आज रिडॉक्स रिएक्शन हैशटैग सेकंड लेक्चर आ गया। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं और किस किस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे पहचानेंगे कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन। तो एक छोटी सी बात आप सबके साथ आज हम शेयर करना चाहेंगे कि हर समय जरूरी नहीं है कि आप बोलते रहो। क्या बात कर रहे हैं सर ये? बिल्कुल, आप सुबह से उठते हो, सबसे बकवास करना चालू कर देते हो, चार लोग को पकड़ते हो, उनको दुनिया जहान की बातें करते हो, यहां ये हुआ, यहां वो हुआ, यहां ये हुआ। अपने दिमाग में खुद से क्वेश्चन किया करो कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, पागल बनाने की बात नहीं कर रहे, खुद को स्टेबल करो, अपने माइंड को स्टेबल करो, है ना। माइंड क्या है ना कि जितनी भी मिलियंस ऑफ बातें हो रही हैं सब में फंस जाता है और अपने असली एम से भटका रहता है पूरे दिन, इसलिए रियलाइज नहीं होता कि एक्चुअली मुझे करना क्या था। साइलेंस इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ साउंड, साइलेंस इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ साउंड, Silence is stillness of the mind. Stillness of the mind. Mind still hai ki nahi. So speak less, listen more. Main to ye nahi kar sakta, mujhe to bolna padega, yahan to kaam hai. But unnecessary dusron ke conversations mein mat ghuso, unnecessary logon se baatein mat karo, wo bhatkayenge, universe ki entropy badhayenge. Silence is not only the absence of sound. It is stillness of the mind. Mind is still है कि नहीं? तो चलो एक महीने, एक हफ्ते या कम से कम एक दिन अपने ऊपर इसको लगा के कोशिश करो। स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड लेक्चर। मेरा नाम अलख पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, और उससे पहले आप ये जानिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो भाई साहब, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो और किसी दूसरी चीज का रिडक्शन। तो बात आती है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब हम पढ़ते थे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, और रिडक्शन का मतलब हम पढ़ते थे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। फिर इसको इस तरह से पढ़ते थे, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो और रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। तो ये तो पुरानी डेफिनेशंस हो गई। अब हमें जितनी भी बातें करनी है इलेक्ट्रॉन के बेसिस में, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी कहानी किस पे बताई गई है, इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज से ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। And reduction is gain of electron. Oil rig, reduction is what? Gain of electron. जब भी electron को कोई species gain करेगा तो उसका reduction होगा, और lose करेगा तो oxidation होगा। Clear? Oil rig, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. जैसे suppose करो, जैसे मान लो यहां मेरे पास कोई स्पीशी ए है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बन गया ए प्लस। क्यों ए प्लस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे ए का हुआ है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो हमारे पास कोई स्पीशी है बी, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बी माइनस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बी का क्या हो रहा, रिडक्शन। कहोगे ये तो समझ में आ गया हमको, ठीक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर समझना है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो पिछले लेक्चर में सबने देख लिया, नहीं देखा यूट्यूब पर टाइप करें रिडॉक्स रिएक्शन 01 ऑक्सीडेशन नंबर फिजिक्स वाला। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो
किसी स्पीशी के ऊपर चार्ज होता है। जैसे इसके ऊपर चार्ज यहाँ जीरो है, यहाँ प्लस वन, इसके ऊपर चार्ज यहाँ जीरो है, यहाँ माइनस वन। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा, सबको समझ में आ रहा? ये ऑक्सीडेशन हो रहा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ा, चार्ज बढ़ा कि घटा? जीरो से प्लस वन बढ़ा, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो एक पॉइंट और आ गया कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर, या जिसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते थे, वो हमेशा बढ़ता है, जीरो से वन हुआ। ये रहा रिडक्शन। रिडक्शन में चार्ज के ऊपर क्या हुआ, चार्ज जीरो से माइनस वन घट गया, ये रिडक्शन है ना। क्यों रिडक्शन है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में चार्ज घट जाता है, यानी रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। सो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ये बेसिक डेफिनेशन आपको रिडॉक्स रिएक्शंस की समझनी होगी, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। रिडॉक्स अभी आ जाएगा, दोनों रिएक्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया तो रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। पर आपको समझना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और रिडक्शन में ये जो चार्ज होता है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं वो घट जाता है, घट जाता है। क्लियर हुई इतनी छोटी छोटी बातें? क्लियर हुई है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो गई है तो बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, बहुत सिंपल सा। Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। आप मुझे बताओ किसका हुआ ऑक्सीडेशन और किसका हुआ रिडक्शन। ध्यान से देखो तो जिंक की बात करें, जिंक का यहां चार्ज जीरो है, यहां पे टू प्लस है, यानी जिंक की बात करो तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक ने लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तभी तो टू प्लस चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया? कॉपर ने। कॉपर यहां सीयू टू प्लस से यहां पहुंचा सीयू जीरो पे, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, तो इसका हो रहा बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने देखो दो इलेक्ट्रॉन गेन किए चार्ज टू प्लस से जीरो। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा उसका रिडक्शन, जिसका बढ़ रहा उसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है? कोई तकलीफ वाली बात, कोई परेशानी नहीं? बढ़िया एकदम। एक और देखो, Cr2O7 2- प्लस Fe2+ गिव्स Cr3+ प्लस Fe3+। अब यहां मेरे पास कुछ स्पीशी हैं, इसको मैंने छुपा के लिखा है, समझना तो पड़ेगा। यहां किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? तो Fe की बात करें तो Fe2+ से 3+ पे गया है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑक्सीजन को कहो तो मैं हटा दूं, अभी नहीं हटाता, लिखा रहने दो। क्रोमियम की बात करते हैं, अभी बैलेंस नहीं है उधर, ऑक्सीजन भी होगा, छोड़ दो। क्रोमियम की बात करते हैं, यहां भी क्रोमियम है, यहां भी क्रोमियम है, यहां क्रोमियम के ऊपर चार्ज 3+, यहां क्रोमियम का चार्ज नहीं पता, निकाल सकते हैं। क्रोमियम का चार्ज मान लो एक्स, कितने क्रोमियम है? 2x। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 7 -14। इस पूरी स्पीशी पे कितना चार्ज है? -2। इस पूरी स्पीशी पे चार्ज है -2। ऑक्सीजन पे था -2 तो -2, और पूरी स्पीशी पे -2। यहां से 2x = 12x = 6। यानी यहां क्रोमियम +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी क्रोमियम +6 से +3 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो इसका हो रहा रिडक्शन। फील हुआ? ये सब डील करना है आगे हमें, अगले लेक्चर में बैलेंसिंग आने वाली है, तो डील करना ही करना है।
एक स्पीशी का ऑक्सीडेशन, दूसरी स्पीशी का रिडक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन रिडॉक्स होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? यस, कई बार ऑफकोर्स हमें निकालना पड़ेगा। जैसे 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 मान लो मैं आपको लिख के दे दूं एक सिंपल सा रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन, जिंक प्लस एच सी एल गिव्स जेड एन सी एल टू प्लस एच टू। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? यहां जिंक पे चार्ज जीरो, हाइड्रोजन पे प्लस वन, क्लोरीन पे माइनस वन। यहां आओ, क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा? माइनस वन। सो हाइड्रोजन जिंक पे कितना हो जाएगा? जिंक का एक्स मान लो, क्लोरीन पे माइनस वन, तो माइनस टू इज इक्वल्स टू पूरे पे चार्ज जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस टू। तो जिंक पे प्लस टू और क्लोरीन माइनस वन में ही है। हाइड्रोजन की बात करें, खुद से कंबाइन किया है तो चार्ज होगा जीरो। अब देखो ध्यान से, जिंक जीरो से टू प्लस में गया, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, तो जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन प्लस वन से जीरो पे गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, इसका हुआ रिडक्शन। क्लियर है एकदम? अब ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। बात कर लेते हैं यहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। दो छोटे छोटे टर्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मैं एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई स्पीशी ए है, कोई स्पीशी बी है, बी के ऊपर मान लो टू प्लस चार्ज है। ये रिएक्शन में लिख रहा हूं, इधर ए के ऊपर टू प्लस चार्ज और यहां पे बी। बहुत सिंपल सी बात, ए जीरो से टू प्लस पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ए का हो रहा ऑक्सीडेशन। बी टू प्लस से जीरो पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, बी का हो रहा रिडक्शन। चलिए इतना क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, रिडक्शन। इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? समझो, ए का ऑक्सीडेशन किया किसने? ए ने क्या किया? यहां से यहां इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी तो प्लस चार्ज आया। वो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन लिए किसने? बी ने। बी ने वो इलेक्ट्रॉन लिए, बी का चार्ज कम हो गया। सो ए को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? बी। यानी बी यहां पे बिहेव कर रहा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी का खुद का रिडक्शन हो रहा, मतलब बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, पर किसी के इलेक्ट्रॉन तो ले रहा होगा। जिसके इलेक्ट्रॉन ले रहा वो तो आजाद हो गया, उसका तो ऑक्सीडेशन। बी ने किसके इलेक्ट्रॉन लिए? ए के। ए का हो गया ऑक्सीडेशन, तो बी बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से ए बन जाएगा, बोलो मेरे साथ, जय माता दी, नहीं रिड्यूसिंग एजेंट। बी का रिडक्शन किया किसने? बी को इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी को इलेक्ट्रॉन दिया किसने? ए ने। बहुत क्लियर है? किसी भी रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता है वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। अपना ऑक्सीडेशन क्या किसी का तो नुकसान करेगा? अपना फायदा करते करते अपने इलेक्ट्रॉन फेंके कोई तो पकड़ेगा, तो जिसको पकड़ाएगा उसको रिड्यूस करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आ गया, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और उससे पहले यह बता दे कि दुनिया का हर केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो, एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल, AgNO3 प्लस NaCl रिएक्ट्स टू गिव AgCl प्लस NaNO3। इस इक्वेशन में किसी भी एलिमेंट का चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। सिल्वर यहां प्लस वन में है, नाइट्रोजन प्लस फाइव में है, ऑक्सीजन माइनस टू, सोडियम प्लस वन में है, क्लोरीन माइनस वन। सिल्वर यहां प्लस वन में है, क्लोरीन माइनस वन में है, सोडियम प्लस वन में, नाइट्रोजन प्लस फाइव, ऑक्सीजन माइनस टू। किसी का चेंज नहीं हुआ, सिल्वर प्लस वन से प्लस वन में, सोडियम प्लस वन से प्लस वन में,
नाइट्रोजन प्लस फाइव से प्लस फाइव में, ऑक्सीजन माइनस टू से माइनस टू, किसी के ऊपर भी जो चार्ज था वो बदला नहीं है. दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए इतना क्लियर हो गया, दुनिया का हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, हर पीली चीज सोना नहीं होती. चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजे लेके पढ़ो. टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सबसे पहला टाइप जो रिडॉक्स रिएक्शन का है बच्चों, वो है थर्मल डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन. हीट के प्रेजेंस में कोई चीज टूट जाए और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी चल रहा हो, जैसे Ag2O मैंने हीट किया, ब्रेक करके बना Ag प्लस O2. बैलेंस करने की अभी बातें नहीं चल रही हैं, चाहो तो कर सकते हो, यहां पे 2 लगा लो, यहां पे हाफ लगा लो, अभी बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं आज. खैर यहां बात करें तो ऑक्सीजन माइनस 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सिल्वर निकाल सकते हो, सिल्वर को x मान लो, 2x, एक ऑक्सीजन है माइनस 2, पूरे पे चार्ज है 0, सो 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1. सिल्वर का मैंने x माना, 2x, ऑक्सीजन का माइनस 2, माइनस 2, पूरे पे चार्ज 0, 0, 1. तो सिल्वर प्लस 1 में है, ऑक्सीजन माइनस 2 में है. इस तरफ आइए, सिल्वर किसी से कंबाइन नहीं किया, 0 में, ऑक्सीजन खुद से कंबाइन किया है तो भी 0 में. सिल्वर प्लस 1 से 0 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, सिल्वर का हुआ है रिडक्शन. ऑक्सीजन माइनस 2 से 0 पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, माइनस 2 से 0 बढ़ रहा है, इसका हुआ ऑक्सीडेशन. मिला के बन गया रिडॉक्स रिएक्शन. यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सिल्वर. जिसका रिडक्शन वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. थर्मल डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन लिख लिया, आगे बढ़े, मिटा दें, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड एग्जाम्पल, और एक फोर्थ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा. सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, किसी के सॉल्यूशन में से किसी एक आयन को डिस्प्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए. जैसे मैंने पहले अभी एक रिएक्शन लिखा था, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. ये देखिए डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, जिंक आ गया उसकी जगह. जिंक यहां 0 में, हाइड्रोजन प्लस 1 में, क्लोरीन माइनस 1 में. जिंक यहां प्लस 2 में, क्लोरीन माइनस 1 में, हाइड्रोजन 0 में. चलिए अब आप बताइए क्या हुआ. जिंक 0 से प्लस 2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, ऑक्सीडेशन आदत पड़ रही है अब इसकी, गुड. हाइड्रोजन प्लस 1 से 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, इसका हुआ रिडक्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया हाइड्रोजन आज, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट बन गया जिंक. अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ना एक बढ़िया ट्रिक है, आपने भी पढ़ी होगी मेटल एक्टिविटी सीरीज, मैं उसको आज नए तरह से समझाता हूं कि एक्चुअल में मेटल एक्टिविटी सीरीज जैसा कुछ होता नहीं है. आई रिपीट, असल में मेटल एक्टिविटी सीरीज जैसा कुछ होता नहीं है. असल में जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बहुत जरूरी है इसको समझने के लिए. क्यों? मैं दो रिएक्शन लिखता हूं, जिंक प्लस CuSO4 विल गिव ZnSO4 प्लस Cu, और दूसरा रिएक्शन Cu प्लस ZnSO4 विल गिव CuSO4 प्लस Zn. इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा? क्या दोनों हो जाएंगे या दोनों में से कोई नहीं होगा? क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या कॉपर जिंक को? तो हो सकता है मेटल एक्टिविटी सीरीज से आप ये आंसर दो, पर अगर यही मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं कि विच इज अ बेटर, जैसे यहीं पे एक मैं बहुत प्यारा क्वेश्चन दूंगा, देखना जरा ध्यान से, देखना F2 plus KI gives
kf plus i2 or i2 plus kf give ki plus f2. इन दोनों में से कौन, अब ये वाला जवाब दो, इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होगा? क्या फ्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा या आयोडीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा? तो ये सब कुछ सवाल हैं जिसके लिए आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज, एक लिस्ट, जो कहना चाहो कहो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये लिस्ट हमको ये सिखाती है कि जितना नीचे कोई एलिमेंट रखा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल मतलब ताकत, रिड्यूस होने की ताकत। जो जितना नीचे है उसके रिड्यूस होने की ताकत उतनी ज्यादा है। लिक बा सर का ना मग अल मन जन, आगे चल रहे हैं, क्रो फी को नी पप एच सी यू एच जी ए यू पी टी I2, BR2, CL2, F2। ये सीरीज है हमारे पास। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, ये यहां से यहां कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, डैश 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 डैश, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो क्या बढ़ रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की ताकत, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस बढ़ती जा रही है। जो जितना नीचे रखा है उतना ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेगा, जो ऊपर रखा है वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। बहुत सिंपल है, जो ऊपर रखा है वो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, सिंपल। बस अब किसी रिएक्शन देख लो, सिंपल। अगर नीचे वाला रिड्यूस हो रहा है तो ठीक है, अगर इस लिस्ट से चेक कर लो, अगर नीचे वाला रिड्यूस हो रहा है तो ठीक है, ऊपर वाला रिड्यूस हो रहा है तो गलत है। नीचे वालों की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। लेट मी आस्क यू, विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ ऑल इन दिस सीरीज? Let me ask you, which is the best oxidizing agent? ये या ये होगा जो खुद रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पे जो मिलेंगे वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इधर मिलेंगे। इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है, इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। मतलब दे आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से समझाता हूं, बहुत सिंपल है। जो जितना नीचे रखा है, क्या नाम क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की लिस्ट है ये जो सीरीज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है। इसको आप मेटल एक्टिविटी सीरीज बोलते थे बचपने में। जो जितना नीचे रखा है वो उतना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ज्यादा है, और जब वो रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? नोट कर लें इसको, टर्रम टर्रम टारे कारेकु। नोट कर लिया? मिटा दूं। ओके, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। ओके, अब वापस आते हैं अपने सवाल पे। जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा, Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn। चलिए अलग देखते हैं। जिंक के ऊपर चार्ज है जीरो, यहां जिंक पे चार्ज आ गया है +2,
सल्फेट पे माइनस टू होता है, सबको पता है। कॉपर पे चार्ज है प्लस टू, यहाँ कॉपर पे आ गया जीरो। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो कॉपर का हुआ है रिडक्शन। दोनों में से सीरीज में नीचे कौन था? मैं सीरीज जल्दी से क्रिएट कर सकता हूं, लिक बा सर का ना मग अल मन जन क्रो फी को नी पब एच सी यू एच जी। देखो दोनों में से ज्यादा नीचे कौन है सीरीज में? ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर। कॉपर ज्यादा नीचे है, जो नीचे है वो रिड्यूस होना चाहता है। क्या कॉपर रिड्यूस हो रहा है? यस, तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। जब ये पॉसिबल है तो ये कैसे हो गया? ये उल्टा हो रहा है। देखो यहां पे जिंक प्लस टू से जीरो पे जा रहा, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा, जिंक का रिडक्शन हो रहा। कॉपर जीरो से प्लस टू पे जा रहा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, कॉपर का ऑक्सीडेशन। इन दोनों में से कौन रिड्यूस होना चाहता है? इट इज क्लियर, कॉपर होना चाहता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज्यादा है। ये हम टेस्ट कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली, ये आप पढ़ोगे क्लास ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कॉपर यहां पे रिड्यूस होना चाहता था, पर कॉपर को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो। सो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन बाई इटसेल्फ, इट इज नॉट फीसिबल, दिस रिएक्शन इज फीसिबल। क्लियर है? क्लियर है? एच जी ए जी ए यू पी टी, लेट मी राइट इट ऑल, आई टू बी आर टू सी आर टू एफ टू। अब इसी बेसिस पे आप मुझे दूसरा रिएक्शन बताओ जो मैंने आपसे पूछा था, आप खुद बताएंगे। द क्वेश्चन इज कि क्या ये रिएक्शन होगा, एफ टू प्लस के आई गिव्स के एफ प्लस आई टू, या आई टू प्लस के एफ गिव्स के आई प्लस एफ टू। बताइए इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होने वाला है? किसी एक को टेस्ट कर ले, किसी एक को कर ले। चलिए इसको करते हैं। फ्लोरीन यहां पे चार्ज जीरो, के प्लस वन आयोडीन माइनस वन, के प्लस वन फ्लोरीन माइनस वन आयोडीन जीरो। यहां फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, यानी फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा और आयोडीन का ऑक्सीडेशन। सो यहां फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा दिख रहा है, ये देखो जीरो से माइनस वन यानी फ्लोरीन का रिडक्शन। अब देखो आयोडीन और फ्लोरीन में से कौन रिडक्शन करना चाहता है? फ्लोरीन। लिस्ट में नीचे है, यहां फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा, दिस रिएक्शन इज गुड, सही है। ये गलत हो जाएगी, यहां आयोडीन जीरो से माइनस वन में जा रहा, आयोडीन का क्या हो रहा? रिडक्शन। ये नहीं होगा, फ्लोरीन के रहते आयोडीन रिड्यूस नहीं हो सकता, फ्लोरीन रिड्यूस होगा। फ्लोरीन का देखो ऑक्सीडेशन है, माइनस वन से जीरो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन ना, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। समझ में आ गया फिजिबिलिटी चेक करना? जैसे इस पर एक बड़ा प्यारा सवाल आता है, मैं आपको देने जा रहा हूं, कैन वी स्टिर अ सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट विथ, पहला क्वेश्चन जिंक स्पून, दूसरा पार्ट सिल्वर स्पून। मेरे पास एक निकल सल्फेट का सोल्यूशन है, उसको हम किससे मिला सकते हैं, जिंक से या सिल्वर से? एक निकल सल्फेट का सोल्यूशन है, उसको हम किससे स्टिर कर सकते हैं? कभी कभी पूछता है उसे किस टाइप की वेसल में रख सकते हैं, ये भी पूछता है। क्या पूछता है? किस टाइप की वेसल में रख सकते हैं? तो रखना हो या मिलाना हो, पर्पस ये होगा कि निकल सल्फेट रिएक्ट ना करे। भाई निकल सल्फेट अगर किसी वेसल में रखना है तो हम नहीं चाहेंगे कि वेसल निकल सल्फेट से रिएक्ट करे। लेट मी चेक, जिंक की वेसल है, मान लो जिंक की वेसल है, मतलब जिंक अपना मस्त सॉलिड स्टेट में है और निकल सल्फेट का सोल्यूशन है एक्वस, बढ़िया। तो हम सोच रहे हैं कहीं ये रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, अगर हो रहा है तो इसको रोको, ये मत करो ऐसा। जिंक की वेसल में रखोगे तो जिंक ये रिएक्शन कर देगा, क्या ऐसा हो सकता है? चेक करते हैं। जिंक जीरो से प्लस टू में जा रहा, निकल प्लस टू से जीरो में जा रहा, सो निकल का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है, बोलो जीरो से प्लस टू यानी ऑक्सीडेशन। क्या ये रिएक्शन होगा? आइए चेक करते हैं।
जो नीचे रखा उसका रिडक्शन होना चाहिए। जिंक धूड़ो कहाँ रहा, ये रहा जिंक। निकल धूड़ो कहाँ रहा, ये रहा निकल। जो नीचे रखा उसका रिडक्शन यानी निकल का रिडक्शन होना चाहिए। बिल्कुल यहां पे निकल का रिडक्शन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन विल हैपन, दिस रिएक्शन इज फीजिबल, दिस रिएक्शन इज फीजिबल। ये सही है, ये होगा क्योंकि निकल नीचे रखा और निकल का रिडक्शन हो रहा है। अब अगर ये रिएक्शन होगा तो क्या ये अच्छा आइडिया है कि जिंक के स्पून से इसको हम चलाएं? नहीं, स्पून पूरा गल जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। सो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरा आइडिया है सिल्वर स्पून का, यानी यहां जिंक की जगह सिल्वर आ जाएगा। Ag प्लस NiSO4 विल रिएक्ट टू गिव व्हाट? Ag होल ट्वाइस SO4 प्लस व्हाट? Ni। Ag यहां जीरो में, यहां प्लस वन में, यहां निकल प्लस टू में, यहां निकल जीरो में। यहां किसका रिडक्शन हो रहा, यहां किसका रिडक्शन हो रहा? निकल का रिडक्शन हो रहा प्लस टू से जीरो। धूड़ो कहां है, कौन कौन है? निकल और सिल्वर। ये रहा निकल, ये रहा सिल्वर। कौन नीचे है दोनों में से? सिल्वर। किसका रिडक्शन हो तो रिएक्शन पॉसिबल है? सिल्वर का। क्या सिल्वर का रिडक्शन हो रहा? नहीं, निकल का हो रहा। क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा। सिल्वर के सामने निकल रिड्यूस नहीं हो सकता, सिल्वर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। अब भाई साहब ये फिजिबल नहीं है तो क्या ये करना अच्छा आइडिया? बिल्कुल अच्छा आइडिया। सिल्वर का स्पून डालोगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, मस्त मिला के बाहर निकाल लो। सिल्वर की वेसल में इसको रखोगे, निकल सल्वेट सिल्वर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। निकल रिड्यूस हो रहा है, सिल्वर कभी निकल को रिड्यूस नहीं, सिल्वर खुद रिड्यूस होना चाहता है। बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन नहीं होगा, ये हमारे लिए अच्छी चीज है, हम ये करेंगे। हाँ, रिएक्शन नहीं हुआ, निकल सल्फेट का सोल्यूशन सेफ है। यहां ये नहीं पूछा किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट तो किससे करेगा? जिंक से, है ना, जिंक डिस्प्लेस करेगा। तो इसको कई लोग ऐसे बताते हैं कि जो ऊपर रखा होता है सीरीज में वो नीचे को डिस्प्लेस करता है। बिल्कुल ठीक है, जिंक देखो सीरीज में ऊपर था तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दिया, बिल्कुल ठीक है। बट मैंने आपको इसको रिडॉक्स रिएक्शन के टर्म्स में समझाया। जैसे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आ सकता है ना, जेई मेंस में तो बहुत ही ईजी है ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना। विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग I2, Br2, Cl2, F2। बहुत सिंपल ऐसा सवाल, कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नीचे जाते वक्त क्या बढ़ रही है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल नाम याद रखना, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। जो रिड्यूस होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज, मतलब नीचे क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे नीचे, यानी फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन सब में आयोडीन बिकम्स द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये दूसरे टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन था जिसके अंदर हम काफी डिटेल में गए, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं तीसरे तरह के रिडॉक्स रिएक्शन की, विच इज कॉम्बिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, वेरी गुड। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है? जैसे देखो, मैग्नीशियम लिया, नाइट्रोजन लिया, रिएक्शन कराया, बना Mg3N2। यहां मैग्नीशियम पे जीरो चार्ज, नाइट्रोजन पे भी जीरो, खुद से कंबाइन किया है तो जीरो रहेगा चार्ज। यहां मैग्नीशियम प्लस टू में आ गया है, नाइट्रोजन आप निकाल सकते हो। अगर मैग्नीशियम प्लस टू में है, 3 2s are 6, नाइट्रोजन का एक्स मान लिया 2x, पूरे पे चार्ज जीरो है, जीरो। सो एक्स की वैल्यू -3, तो नाइट्रोजन -3 में। सिंपल है। अच्छा, ये है सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन। दो एलिमेंट्स थे, दोनों कंबाइन करके एक नया एलिमेंट बनाए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा, साथ में रिडॉक्स दिख रहा। रिडॉक्स कैसे, क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन, ये क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर है? जैसे कैल्शियम प्लस O2 गिव्स CaO। अभी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस मैटर भी नहीं। कैल्शियम जीरो, ये प्लस टू,
ऑक्सीजन जीरो, यहाँ ऑक्सीजन माइनस टू. सो कैल्शियम का नंबर बढ़ रहा है तो हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का नंबर घट रहा है तो इसका हो गया रिडक्शन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. तीसरा, चौथा मैंने आपसे बोल रखा था बहुत इंपॉर्टेंट है और अब वो आ गया. क्या है चौथा सर, इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जेईस को एक बार पूछ चुका है, रिसेंट ईयर्स में ही पूछा था, मैं ईयर भूल गया हूं, अभी रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया है. नाम देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस प्रोपोशियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. अगले लेक्चर में इसको जब बैलेंस करना सिखाऊंगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी. डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एक अकेला एलिमेंट होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा. टफ है इस बात को समझना. एग्जाम्पल देखिए, फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, पी फोर प्लस एन ए ओ एच गिव्स पी एच थ्री प्लस एन ए एच टू पी ओ टू. चलिए यहां फॉस्फोरस के सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सोडियम तो प्लस वन में है, वहां भी प्लस वन में, फॉस्फोरस के सारे ऑक्सीडेशन नंबर. यहां फॉस्फोरस खुद से कंबाइन किया है तो जीरो, यहां फॉस्फोरस का नहीं पता मान लेते हैं, हाइड्रोजन पे कितना होता है प्लस वन, फॉस्फोरस का एक्स, तीन हाइड्रोजन है प्लस थ्री, पूरे पे चार्ज जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, यहां फॉस्फोरस माइनस थ्री में. यहां फॉस्फोरस का नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, सोडियम प्लस वन, हाइड्रोजन प्लस वन होता है, दो हो गए तो प्लस टू, फॉस्फोरस नहीं पता एक्स, ऑक्सीजन माइनस टू और दो है तो माइनस फोर, पूरे पे चार्ज जीरो इज इक्वल्स टू जीरो. सो एक्स दो एक तीन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन, ये फॉस्फोरस प्लस वन में. ध्यान से देखो, फॉस्फोरस जीरो से माइनस थ्री में भी आ रहा, फॉस्फोरस जीरो से प्लस वन में भी जा रहा, ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा बढ़ भी रहा, यानी ये यहां से यहां फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर घटा, क्या हुआ रिडक्शन. और ये अगर देखूं यहां से यहां वाला फॉस्फोरस, जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो यहां हो रहा ऑक्सीडेशन. जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो तब हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन. क्लियर है? गिने चुने एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे. दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया इसका इन्होंने, आई टू प्लस के ओ एच गिव्स के आई प्लस के ओ आई प्लस इररिलेवेंट है एच टू ओ, एच टू ओ आप समझो इररिलेवेंट हो जाएगा अभी बैलेंसिंग के टाइम, उसको हम जोड़ ही लेते हैं अपने आप. खैर यहां आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, पोटेशियम का प्लस वन रहेगा, ऑक्सीजन का माइनस टू, हाइड्रोजन का प्लस वन, वो चेंज नहीं हुआ. आयोडीन, यहां आयोडीन जीरो में, यहां पोटेशियम प्लस वन में तो आयोडीन डेफिनेटली माइनस वन, यहां आयोडीन का नहीं पता एक्स मान लो, पोटेशियम प्लस वन, ऑक्सीजन माइनस टू, आयोडीन का एक्स, पूरे पे चार्ज है जीरो, टोटल पे चार्ज जीरो, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस वन आएगा. ओके, जीरो से माइनस वन आयोडीन, क्या हुआ रिडक्शन. और जीरो से प्लस वन भी आयोडीन, क्या हुआ ऑक्सीडेशन. तो जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का रिडक्शन, देन इट इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन. ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन जेई में एक बार पूछ चुका है. क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और है, आप खुद से घर पे इसको देखिएगा, एस एट प्लस एन ए ओ एच गिव्स एन ए टू एस प्लस एन ए टू एस टू ओ थ्री प्लस एच टू ओ. चलिए इसको खुद से एक बार देखिएगा, सल्फर का यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा. क्लियर? डिसप्रोपोर्शियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर एकदम 100%? बहुत बढ़िया, मिटा दें, बहुत बढ़िया. इसके बाद लास्ट कैटेगरी है जिसके ऊपर अभी तक सवाल नहीं आया है, लास्ट कैटेगरी इसको खुद से करेंगे. ओके, लास्ट कैटेगरी डिसप्रोपोर्शियोनेशन जैसा ही है, उसको हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शियोनेशन
रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन में भी सेम चीज है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है। उसमें आप देख रहे थे कोई चीज जीरो से प्लस और माइनस में जा रही थी, यहां उल्टा होगा, प्लस माइनस से जीरो पे जाएगी। करीब करीब कहानी वही है, एक एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। जैसे H2S प्लस SO2 गिव्स S2 प्लस H2, कहानी वही है। वहां क्या था, जीरो से हम प्लस माइनस में जा रहे थे, यहां प्लस माइनस से जीरो में। H2S हाइड्रोजन प्लस वन में है तो ये प्लस टू, तो सल्फर माइनस टू, सल्फर ऑक्सीजन माइनस टू में है, माइनस टू टू जब फोर तो सल्फर होगा प्लस फोर। चेक कर लो, सल्फर को एक्स माना, ऑक्सीजन माइनस टू फोर, पूरे पे चार जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस फोर। तो एक सल्फर माइनस टू में है, एक प्लस फोर में, यहां सल्फर खुद से कंबाइन किया है तो जीरो में। ये वाला सल्फर देखो माइनस टू से जीरो, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये वाला सल्फर प्लस फोर से जीरो, इसका घट गया नंबर, तो इसके लिए क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक पूछा नहीं गया। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और उसको समझने के लिए पहले दो लेक्चर आपको जरूर से आने चाहिए। सो याद रखें जो मैंने आज आपको बातें सिखाई, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, साइलेंस इज स्टिलनेस ऑफ द माइंड। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।